तो बच्चों, जैसा कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अपना टॉपिक है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, ठीक है, वर्ब्स, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये पढ़ेंगे हम लोगों को, ये अच्छे से समझना बच्चों, देखते। तो होता क्या है इसमें बच्चों, कि जैसा कि मेन वर्ब दी जाती है, मेन वर्ब में आपके दो पार्ट हो जाते हैं, एक होती है फाइनाइट वर्ब और अगली आपकी जो होती है वो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो होती है वो लिमिटेड होती हैं बेटा, गिनी चुनी होती हैं, ज़्यादा नहीं। मतलब एक तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब वाली भी फाइनाइट वर्ब के उसमें आ जाती हैं, और जो मेन वर्ब होती हैं गिनी चुनी, ठीक, वो भी आपकी किस में आती हैं, फाइनाइट वर्ब में, ठीक। तो फाइनाइट वर्ब को हम लोग समझ लेते हैं क्या है। फाइनाइट वर्ब जो होती हैं बेटा, ये आपकी सब्जेक्ट के, ये सब्जेक्ट के वचन, वचन मतलब समझते हैं आप, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, पुरुष यानी कि पर्सन के अकॉर्डिंग, और टेंस, टेंस मतलब काल के अनुसार बदली जाती है, ठीक। देखते हैं, जैसे कि ये सब्जेक्ट पर डिपेंड होती है, जिस हिसाब से सब्जेक्ट होता है आपका, जिस हिसाब का पर्सन होता है, जिस हिसाब का टेंस होता है, उसी अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाती है। जैसे दिया गया इसमें आई, तो आई के साथ आपने लगाया है आई एम अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूँ, तो आई एम अ प्लेयर हो गया, ठीक। अगले वाले में देखिए आप, जब ही सब्जेक्ट आपका आया, तो ये जो फाइनाइट वर्ब थी वो आपकी क्या हो गई, चेंज हो गई, यानी इज हो गई, ठीक। अगला जो आपका प्रोनाउन, जब आपने दे लगाया, तो यहाँ पर यानी कि सब्जेक्ट में आपने जब दे लगाया, तो यहाँ पर क्या हो गया, आर हो गया। यू लगाया तो भी आपका ये क्या हो गया, आर हो गया। तो इस हिसाब से ये फाइनाइट वर्ब है वो चेंज हो जाती है, ठीक। एक तो ये आपका फाइनाइट वर्ब रहा। अगला देखिए फाइनाइट वर्ब क्या है, अगला आपका फाइनाइट वर्ब है, जैसे इसमें लिखा हुआ है राम लिव्स इन कानपुर, राम कानपुर में रहता है। तो यहाँ पर राम जो है वो आपका सिंगुलर नंबर है, कौन सा नंबर है, कौन सा वचन है, सिंगुलर नंबर है, ठीक। पर्सन देखा जाए तो थर्ड पर्सन है, ठीक। टेंस देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर दिया गया है, लिव्स कर दिया गया बेटा, ठीक। फिर अगला सेंटेंस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये बदलती रहती है। अब देखना, सब्जेक्ट में आपका ये दे आया यानी प्लूरल आया, अब देखिए उसी टेंस में हमने क्या किया, ये था मेन वर्ब में ऐसे इस लगी, बहुवचन लगा, यहाँ से ये आस हट गई, यानी फाइनाइट वर्ब जो थी वो बदल गई आपकी, ठीक, बदलती रहती। फिर ही आया, ये सिंगुलर नंबर हो गया आपका, सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो दिया गया था यहाँ पर फिर से ये चेंज हो जाती। तो ये रही आपकी फाइनाइट वर्ब बेटा, ठीक। अगला देखिए, अगला जैसे कि आप हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक। तो फाइनाइट वर्ब आपका इस तरीके से ये हो गया, ये बदलता रहता है, फाइनाइट वर्ब बदलती रहती है। नॉन फाइनाइट क्या होती, जो बदलती नहीं और ये लिमिटेड होती, सॉरी ये अनलिमिटेड होती, काफ़ी होती, ठीक, असीमित होती नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक। ये सब्जेक्ट के वचन, पुरुष और टेंस के अनुसार नहीं बदलती, कौन वर्ब बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे कि इसमें दिया गया आई लाइक प्लेइंग, तो इसमें जो आपका लाइक वर्ड दिया गया ये तो आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई, जैसा कि हम लोग पीछे अभी देखें, ये जैसे नहीं लिव दिया गया, तो ये आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। ही लाइक्स प्लेइंग, ये भी आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। दे लाइक प्लेइंग, ये भी आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। देखिए ये बदली, ही के साथ लाइक्स हो गया, आई के साथ लाइक हो गया, दे के साथ लाइक हो गया, ये आपकी फाइनाइट वर्ब देखिए चेंज हुई, ठीक। अब आ जाते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो आपकी तीन तरह से हो सकती है, कैसे, जीरंड से हो सकती है, इन्फिनिटिव से हो सकती है, और बेटा पार्टिसिपल से हो सकती है, ठीक। तो जैसा कि इसमें दिया गया है आई लाइक प्लेइंग, तो इसमें क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया हमने, आई एन जी लगा दी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आई एन जी लग गया तो ये आपका क्या बन गया, इसमें जीरंड बन गया, क्या बन गया, जीरंड बन जाता है। जैसे प्ले दिया गया था, प्ले में आई एन जी लगाया, तो ये क्या बन गया, जीरंड, जो कि नाउन के रूप में हम उपयोग करते हैं। इसका हिंदी मतलब आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा खेलना, क्या हो जाएगा, खेलना हो जाएगा, ठीक, खेलना हो गया। जैसे हमने कहा आई लाइक प्लेइंग, मैं, मुझे खेलना पसंद है, ही लाइक्स प्लेइंग, वह खेलना पसंद करता है, और दे लाइक प्लेइंग, वे खेलना पसंद करते हैं, ठीक, मैं खेलना पसंद करता हूँ, मैं खेलना पसंद करता हूँ, इस तरीके से ये आपका बन जाएगा बेटा, ठीक। तो ये जो थी ये चेंज हो रही थी, एक ही सेंटेंस में आपने फाइनाइट वर्ब ये देख ली, और ये रही आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब, जो बदलती नहीं। देखिए सब्जेक्ट आपका आई रहा, उस पर कोई फर्क नहीं, ही रहा तब भी वो प्लेइंग रहा, और दे रहा तब भी ये प्लेइंग ही रहा, इट मीन्स ये बदला ही नहीं, ठीक, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं बदली, और आपकी फाइनाइट वर्ब जो थी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बेटा चेंज हो गई यहाँ पर, ठीक, गुड। आगे देखिए अगला जो है वो क्या है, ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखना चाहता है। दे वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, वे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ।
फिर अगला है आपका राम वांट्स टू लर्न इंग्लिश, राम अंग्रेजी सीखना चाहता है। तो इसमें बेटा आप पहले तो ये देख लीजिए इसमें फाइन वर्ब क्या है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये देखिए, और कर्ता के हिसाब से इसको देखिए, फिर आई के हिसाब से इसको देखिए, और राम के हिसाब से इसको देखिए, ये आपकी फाइनाइट वर्ब रही, ये आपकी चेंज हो रही, ठीक। और नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी इसमें रही टू लर्न, टू लर्न, और ये आपकी रही कौन सी वर्ब, नॉन फाइनाइट रही। ये नॉन फाइनाइट वर्ब देखिए, ही रहा तब भी टू लर्न, दे रहा तब भी, अब ये देखिए नहीं बदली, क्योंकि नॉन फाइनाइट बेटा क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती, यही इसकी बात। फिर ये नॉन फाइनाइट कैसे देखिए, ऊपर वाले में आप मेन वर्ब में आई एन जी करके बनाए तो वो आपका जीरंड बन गया, ठीक, नाउन के तरीके यूज हो गया। अब जो नीचे आपने अगला टाइप देखा उसमें आप देखिए टू के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी, फर्स्ट फॉर्म, तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म जब होती है मेन वर्ब की तो वो क्या बन जाता है आपका, इन्फिनिटिव बन जाता बेटा, क्या बनता है, इन्फिनिटिव, ठीक। तो ये आपकी क्या हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब, क्यों, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या लिखा हुआ, सब्जेक्ट में आपने क्या लिखा, देखिए वो नहीं बदलता है, ठीक, सिर्फ आपकी ये बदल रही है, ये इधर ये मेन वर्ब, तो इस ये आपके सब्जेक्ट के हिसाब से बदल रही है, यानी ये फाइनाइट वर्ब, ठीक। तो अगला हम लोग आगे देख लेते हैं, इसी के आगे फिर आगे आपको ये दिया गया है, टाइप थर्ड है ये आपका, ठीक है, पार्टिसिपल के तरीके, ही लव्स, ही मीन्स वह लव्स मीन्स प्यार करता, अ डांसिंग बेबी, एक नाचती हुई बेबी बच्चे को पसंद करता है, दे लव अ डांसिंग बेबी, वे एक नाचते हुए बेबी को पसंद करते हैं, राम लव्स अ डांसिंग बेबी, वे एक नाचते हुए बेबी को पसंद करते हैं। देखिए अभी आपको मैंने पीछे बताया है मेन वर्ब जो होती है उसकी अगर यदि आप फर्स्ट फॉर्म है और उसमें आई एन जी लगा देते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे प्ले लिखा था पीछे उसमें हमने क्या किया आई एन जी लगा दिया तो ये बन गया प्लेइंग, ठीक बेटा, तो प्लेइंग बन गया। अब ये आपका जीरंड है, ठीक है, ये आपका जीरंड है, यही मैंने पीछे लिखा तो डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसमें आई एन जी जोड़ा जाएगा तब ये आपका क्या हो जाएगा, तब ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डांसिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डांसिंग। तो जब ये डांसिंग हो गया आपका, अब ये भी तो आप कह सकते हैं कि जीरंड है तो ये भी जीरंड, लेकिन जब आपने सेंटेंस के यूज में देखा तो ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा था। देखिए राम लव्स, वह पसंद करता है, राम प्रेम करता है, और डांसिंग बेबी, एक नाचती हुई बच्ची को पसंद करता है, तो बेबी की विशेषता ये हो गई कि बच्ची कैसे नाचती हुई, तो यानी यहाँ पर ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा, कैसा कार्य कर रहा, दे लव अ डांसिंग बेबी, वे प्यार करते हैं, और डांसिंग बेबी, एक नाचती हुई बेबी को प्यार करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये डांसिंग जो दिया गया ये आपका किसके तरीके कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव के तरीके कार्य कर रहा है ये आपका, ठीक, और इसीलिए यहाँ पर ये किसके तरीके पार्टिसिपल बताते हैं, ठीक। पीछे जो आपने देखा था वो नाउन में यूज़ होता है, जीरंड जो देखा था वो नाउन में यूज़ होता है, ठीक। तो आई होप आपको वीडियो फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वाला क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको ये जीरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल का भी वीडियो बच्चों देने वाला हूँ, तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, जिससे आपको जीरंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल भी अच्छे से समझ में आ जाए, और फिर उनका यूज़ कर करके आप लोग पार्टिसिपल का यूज़ करके सिंथेसिस वगैरह भी सीख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।